वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया और जब अपने मालिक को पहचानता है अल्लाह को पहचान लेता है ये मरजूक अपने राजी को पहचान लेता है तो फिर इसके 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 तीन तकाजे खड़े होते हैं तीन तकाजे इसके खड़े होते हैं पहला तकाजा ये होता है कि जिस अल्लाह को यह पहचान रहा है उस अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाए क्योंकि जब आबिद अपने मबूद को पहचान ले जब मखलूक अपने ख़ालिक को पहचान ले तो उसका हक ये कि उसकी इबादत के लिए तैयार हो जाए तो पहला तकाज़ा ये होता है कि पहचान के बाद ये इबादत के लिए तैयार हो जाए और दूसरा तकाजा इतात कि उस अल्लाह तबारक वाले ने दुनिया के अंदर हमारी हिदायत के लिए जिसमानी जरूरतें जाहिर करने के लिए रूहानी जरूरतें जाहिर करने के लिए हमें हिदायत के रास्ते पर चलने के लिए और उस मालिक और खालिद का पता देने के लिए कमो बेश एक लाख चौबीस हजार अम्बिया इकराम अलिमसलातम भेजे हैं तो उन नबियों को देखकर उन नबी की इताद के लिए तैयार हो जाए तो गोहे कि अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाए क्योंकि इसने अल्लाह को पहचान लिया है और फिर उसी के भेजे हुए अम्बिया की इताद के लिए तैयार हो जाए क्योंकि उसी अल्लाह ने भेजे हैं और तीसरा तकाजा अपने जैसी मखलूक की खिदमत के लिए तैयार हो जाए क्योंकि ये मखलूक का खालिक भी वही है जिसका खालिक मेरा जो अगर वो खालिक है इस मखलूक का भी चूँकि वही खालिक है लिहाजा ये मखलूक भी चूंकि उसी की मखलूक है लिहाजा इस मखलूक की खिदमत के लिए तैयार हो जाए तो गोया की पहचान के बाद तीन तकज़े पैदा होते हैं एक अल्लाह की इबादत दूसरी रसूल की इतात और तीसरी मखलूक की खिदमत बस ये जिंदगी का खुलासा नचोड़ है जब इंसान इन तीनों चीज़ों को लेकर चलता है तो दुनिया में खाने का भी लुफ्फ आ जाता है पीने का भी लुत्फ आता है फिर दुनिया के अंदर सामान राहत नहीं रहते बल्कि हकीकत में राहत उसको मिल जाती है इसलिए कि काफिलो मश्रका खाता है काफ़ी मुशा महल बनाता है काशी काफिर मशर अगर पोशाकें पहनता है तो उसके बाद सामान राहत तो हैं लेकिन राहत नहीं है उसके बाद सामान्य राहत तो है अजीम शान महल तो उसके पास है नरम मखमली गद्दे तो हैं एयर कंडीशन तो चल रहे हैं उसकी जल तो ठंडी है लेकिन अंदर बेचैनी की आग लगी हुई है इसलिए इस दिल की मछली को इसने दिल के बनाने वाले के स्पुर्द किया नहीं और मछली जब तक पानी के अंदर नहीं जाती है उस वक्त उसको चैन नहीं आता वो तड़पती रहती है तो दिल की मछली इसकी इसका पानी क्या है इसकी तस्किन क्या है दिल की मछली की तस्किन अल्लाह तबारक वाले की याद है अपने मालिक की पहचान ये उस के के समंदर अंदर जब ये दिल गोते लगाने लगता है तो दिल को इतमान और तमानियत हासिल हो जाती है और जब तक ये मार्फत के समंदर में गोते नहीं लगाता तो ये बेचैन रहता है लिहाजा काफिर का दिल बेचैन रहता है खा रहा है बाहर पी रहा है बाहर लंबे दस्तरखान है पोशाकें हैं शाही माल उसके पास हैं सामान राहत तो उसके पास है लेकिन राहत नहीं है और सामान राहत होना कमाल नहीं हकीकत में तो राहत हासिल हो जाना कमाल है और जब ये दिल ये दिल दरियाए मार्फत के अंदर गोते लगाता है और अपने उस मालिक को पहचान लेता है और ये दिल आरिफ हो जाता है अपने मालिक का तो फिर अगर शाही महल ना भी हो और एक झोंपड़ा हो और टूटी चटाई हो और एक लंगोटा हो और चटनी और रोटी हो उस चटनी रोटी के अंदर अल्लाह के वली को वो लुत्फ आता है जो जन्नत के खानों के अंदर भी लुत्फ ना आए उसको पीने के अंदर वो लुत्फ आता है कि जो जो गया के दुनिया के मशरूबात के अंदर लुत्फ ना है गया कि इस चटिया जमीन पर लेटरे पर उस पर वो मजा आता है जो मखन भी गंदों पर ना है कि उसके दिल की जो मछली थी वो दरियाए मार्फत के अंदर गोते लगा रही है जब दरिया मार्फत में गोते लगा रही है तो सामान राहत तो उसके पास नहीं है लेकिन हकीकत की राहत और तमानी उसको अल्लाह ने अदा कर दी यह है जिंदगी का खुलासा अपने मालिक को पहचानना